दोस्तों आज है गैंगटॉक में पहला दिन। कल गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते शाम हो गया था, तो आज सुबह में उठ के जल्दी थोड़ा फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके हम लोग तैयार हो गए हैं निकालने के लिए। टाइटल से तो पता चल गए है हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। हम लोग कल एक MG मर्सिडीज ट्रैवल एजेंसी से बात करके हमारा जो गाड़ी है वो ले लिया था और परमिट के लिए भी डॉक्यूमेंट्स भेज दिया था ऑनलाइन, क्योंकि अभी इधर परमिट ऑनलाइन ही होता है। तो इस रूट में जाने के लिए बिल्कुल हाँ, आपको परमिट लगेगा, परमिट की ज़रूरत है, वरना नहीं जा सकते इस रूट में। और गैंगटॉक से नाथुला लगभग 1 घंटे की रास्ते है। आप बीच में ब्रेक लोगे तो ये लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं नाथुला पास और आज सुबह निकल गए हैं, सो अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो पहले नाथुला जाएंगे, उसके और रिटर्न वे में हम लोग दिखेंगे बाबा मंदिर अच्छंगुले। तो कल प्लान कंफर्म नहीं था, तो कल एक्चुअली प्लान नहीं था, तो आज रात में व्हाट्सएप में जो डॉक्यूमेंट्स भेज कर परमिट मिल गए और अभी जा रहे हैं नथुला पास। और अभी क्योंकि जनवरी का महीना है तो बर्फ रास्ता बंद हो सकता था, तो इसलिए कंफर्म हो गया रास्ता खुला है, तब हम लोग फाइनली जा रहे हैं। और इसके लिए टोटल पर रहे हम लोग 7 आदमी हैं, तो 7 सीटर लिया है इनोवा गाड़ी, और टोटल परमिट लेके आ गया है 6,000। नथुला में जो सुना है मैंने इंडो चाइना बॉर्डर भी है, तो उधर चल के देखते हैं क्या है। दिसाई सबाय मिले टाटा, भीषण ठंडा नीतो बच्चीना ठंडा है तो ठंडा। बीच में हमारा ड्राइवर परमिट कलेक्ट कर लिया था परमिट सेंटर से, और ये जो आगे है सिक्किम पुलिस का चेक पोस्ट है, जिधर हमारा ड्राइवर ये जो परमिट है उसको सबमिट करने के लिए आगे गया है। इसे सब लड़कियां लोग पॉपकॉर्न, कर्पूर, चिंगम, चॉकलेट और पानी का बोतल भेज रहे हैं। कर्पूर और पॉपकॉर्न ऊपर में सांस की दिक्कत के लिए आपको साथ में रखना चाहिए, सांस का दिक्कत अगर आएगा तो कर्पूर और पॉपकॉर्न आपको साथ देगा। इधर आपको पॉपकॉर्न 20 रुपये और कर्पूर 60 रुपीज में मिल जाता है। बीच में आता है एक कंचनजंगा व्यू पॉइंट, जिधर हम लोग थोड़ा सा रुक के ब्रेक लूंगा, और इधर भी ग्लव्स, टोपी, कर्पूर, पॉपकॉर्न भी मिलता है। आज मौसम एकदम साफ है और एकदम क्लियरली कंचनजंगा का व्यू मिल रहा है, इधर से देख सकते हो आप। दोस्तों अभी रास्ते में रुके हैं और सुंदर व्यू मिल रहा है ये कंचनजंगा का, तो इधर बहुत सारा शॉप वगैरह है जिधर से आप टोपी वगैरह मफलर भी खरीद सकते हो, और ये एक मेट्रो ब्रेक है, तो सारे लोग इधर खड़े हुए फोटो शूट करने के लिए। एक अच्छा एक व्यू पॉइंट भी कह सकते हो, रास्ते में आपको मिल जाएगा नथुला के, नथुला भी तो बहुत दूर है। और एक स्टॉप लिया है जिधर आपको थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह, रोटी वगैरह ऐसा कुछ मिल जाएगा, इधर आपको बोल के जाना है, फिर आते आते अभी तक टाइम हो रहा है 10, आते आते 2:30 बज जाएगा, तब हम आके खा लेंगे। और इधर छोटा गाड़ी आप लेके जाना चाहते हो तो 2,500-3,000 के अंदर आ जाएगा, बड़ा गाड़ी 5-6 के अंदर आएगा, और इसका परमिट भी लेना पड़ता है, परमिट जो है ट्रैवल एजेंसी सब कुछ कर देता है। तो जनरली इसके लिए आपको वोटर आई कार्ड और फोटो लेके आना है, वो लोग कलेक्ट कर लेंगे। और इधर चेक पोस्ट भी है, और इसका एंट्री कराने के लिए आपको ये जो है 10 रुपये करके टिकट लेना पड़ेगा पर पर्सन। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी चेंज हो सकता है, बर्फ भी गिर सकता है, स्नोफॉल्स भी हो सकता है, तो ये जितना जल्दी हो सके हम नथुला देख के फिर लौट आएंगे। तो चलिए जिधर ज़्यादा हम लोग देर ना करेंगे।
रास्ते में जाते जाते नाथुला के पहले मिल गया रोड साइड ऐसा बर्फ जो इधर उधर गिरा हुआ है। काल रात इधर इस एरिया में स्नोफॉल्स हुआ था लेकिन आधा पिघल गया है। इधर ठंड बहुत ही बढ़ रहा है जितना हम लोग ऊपर जा रहा हूँ। कुछ देर और चलने के बाद साइड व्यू और भी बदल गया। कुछ ड्राई जैसे पहाड़ और भी दिखाई दिया। पेड़ का निशाना भी कम होते जा रहा है और साथ में आर्मी का कैंप दिखाई दे रहा है बहुत सारे में। और ठंड भी तो बिल्कुल बढ़ रहा है ऊपर। इधर से शुरू हो जाता है नाथुला का रेस्ट्रिक्टेड एरिया। पहले जाएंगे हम लोग नाथुला पास और बाद में लौटते वक्त हम लोग देखेंगे बाबा मंदिर, मतलब नया बाबा मंदिर, और देखेंगे छंगुलेक। जो पिक देख रहे हो ये है नाथुला, उस साइड है चाइना का बॉर्डर, तो भैया ने बताया। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नाथुला पास, जिधर देखेंगे इंडो चाइना बॉर्डर। इधर ठंड है बिल्कुल खतरनाक, एकदम -10 के आसपास। और इधर गाड़ी से उतरते ही सांस का तो दिक्कत, परेशानियां वो फील होने लग गए हैं हम लोगों को। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नाथुला, और नाथुला के एकदम ऊपर जाना होगा, जो इतना सारा सीढ़ी है देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला सीढ़ी और जो गाड़िया का जो गाड़ी का जो ड्रॉप है इधर ही है, और गाड़ी ड्रॉप करके आपको नीचे चले जाएगा जो आप स्टैंड देख सकते हो। तो आपको ड्राइवर का नंबर ले लेना है, और इधर दूसरा कोई ऑपरेटर काम नहीं करता सब BSNL के छोड़ कर, तो उधर ऊपर में भी कैमरा कुछ अलाउ नहीं है। और जब आ रहे हो नाथुला पहले आना, उसके बाद छंगुलेक जो नीचे जा रहे हो बाद में जाना, क्योंकि इधर थोड़ा ऊपर है तो उसका जो वेदर है कभी भी खराब हो सकता है। तो
देख सकते हैं ये जो ग्रीन सेट वाला एरिया है वो उधर सीढ़िया है, वो पैदल चल के एकदम ऊपर तक जाना है जहाँ ऑब्वियसली सांस का दिक्कत आपको फीलिंग होगा, इसीलिए धीरे से आपको जाना है ऊपर तक और कर्पूर पॉपकॉर्न साथ में रखना है, आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है उधर वरना सांस का दिक्कत परेशानियाँ और भी बढ़ जाएगा। ये जो स्टॉल आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, यह आर्मी का कैंटीन जिधर से 20 रुपये में टी कॉफ़ी मिल जाएगा, 40 रुपये में आपको जलेबी समोसा बड़ा और केक भी मिल जाएगा। इस ठंडे में ये सब खा के बॉडी में थोड़ा आपको एनर्जी मिलेगा, स्पेशली चाय वगैरह गर्मा गर्म चाय, आहा क्या बात। पर जो कोई भी कैमरा अलाउ नहीं था, एक बंदा कैमरा कर रहा था उसका कैमरा ले लिया और 22,000 का फाइन लगा दिया। तो एक्चुअली ये हमारा सिक्योरिटी के लिए कैमरा कोई अलाउ नहीं होता है, तो कैमरा उधर जाके मत खींचे। ये इधर ऊपर कैंटीन वगैरह मिल जाएगा अच्छी तरह से, चाय वगैरह जलेबी केक समोसा वगैरह ऊपर मिल जाता है, ये कैंटीन है इधर। तो अब खा के पी के नीचे आ गया है, देख के बहुत बड़ा इन्जॉय किया। चाइना का कुछ लोग ज़्यादा देखने को नहीं मिला ऊपर में, सांस का दिक्कत भी आता है किसी किसी का, तो धीरे चलिए और साथ में जो कपूर जो होता है उसको साथ में रखिए, सांस का दिक्कत कम आएगा उससे। और वो वाला जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है वो है कि चाइना साइड और ये है हमारा इंडियन साइड। ठंड बहुत है, ग्लव्स भी नहीं काम कर रहे। इधर एक सेल्फी पॉइंट भी है, वेलकम टू नाथुला। चलते हैं गाड़ी के एकदम नीचे पार्किंग तक, क्योंकि इधर कुछ पिकअप वगैरह अलाउ नहीं है। आगे जाएंगे हम लोग, रास्ते में छंगुले के रुकेंगे और बाबा मंदिर रुकेंगे। इतना हालत खराब हो गया तो हम लोग चल नहीं पा रहे, ज्यादा धीरे धीरे जा रहे हैं नीचे। तो फाइनली हम लोग नाथुला पास घूम के एकदम नीचे आ गए हैं एंड यस प्राउड टू बी इंडियन। अभी जाएंगे हम लोग नया वाला बाबा हरभजन सिंह टेम्पल जो आता है कुपुप जाने वाला रास्ते में। ये हम लोग अभी पहुंच गए हैं देखते देखते बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। ये नया टेम्पल है, ओल्ड पाला टेम्पल, और भी आगे जाना होगा जो सिल्क रोड में आते हैं। ये जो टेम्पल है ये सिर्फ धर्म के लिए खुला है, कोई भी आ सकते है इधर। अभी हम आ गए हैं बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर। ये कोई भगवान जी का मंदिर नहीं है, बाबा हरभजन सिंह एक्चुअली एक सैनिक था इंडियन आर्मी में, जो 1966 में डेथ हो गया है उनका, सपने में आया था इसका ऐसा मतलब मेमोरियल स्थापन करने का, तो इसके वजह से ये एक्चुअली इसको मेमोरियल भी कहा जा सकता है और इसको बाबा हरभजन भी टेम्पल भी कहा जाता है। ये एक्चुअली नाथुला के पहले आता है, उस सब भी है, कैफे भी है, वो मेरे पीछे है देख सकते हो सारे के सारे, और इंडियन एक नेशनल फ्लैग वो भी लगा हुआ है। एक्चुअली 2009 में जब आया था तब इतना सारा डेवलपमेंट नहीं था, अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, जैसे रास्ता का देख सकते हो, बॉर्डर डेवलप जो ऑर्गेनाइजेशन जो रास्ता बना रहे बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये है हमारा मेन टेम्पल बाबा हरभजन जी का, इधर आप देख सकते हो लाइन लगा के अंदर जाना है पहले धीरे से। हमारा बाबा हरभजन सिंह जो इंडियन सोल्जर था और इसका हिस्ट्री लगा वो लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, पढ़ सकते इसका पॉज करके। और यह है बाबा हरभजन जी का टेम्पल।
तो इधर से एंट्री लेते हैं, एंट्री लेके गाड़ी इधर पार्किंग। यह है गिफ्ट शॉप और यह है कैफे। इधर सारे के खाने वगैरह मिल जाएगा आपको, देख सकते हो इधर खाने है। देखा पिछले बार जब आया था इधर पूरा बड़ा भी बड़ा था वो। ये देख सकते हो लिखा हुआ है द फ्लैग वॉज स्पॉन्सर्ड बाई फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया सी नवीन जिंदल ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारा ब्यूटीफुल नेशनल फ्लैग जो लगा हुआ है। ब्लेसिंग का वॉल, वॉल ऑफ ब्लेसिंग। इधर जितना सारा हमारा ग्रेट इंडियन हीरो सैनिक का डेथ हुआ है सबका दुआएं हमारे साथ आई है। इस पहाड़ी रास्ते में ऐसा मनाया जाता है, ये सब सैनिक का दुआएं हमारे साथ आई है। पहाड़ी रास्ते में हमको बचाता है कुछ बुरा चीज़ों से, क्योंकि बहुत सा हादसा हो सकता है पहाड़ी रास्ते में। तो सबका नमन मेरे तरफ से और बिग बिग सैल्यूट फॉर देयर सेक्रीफाइस। बिल्कुल आइए सामने आके पढ़िए इनका, देख सकते हो ब्लैक कैट डिविजन लिखा हुआ है। ये देख सकते हो इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या पढ़ सकते हो इसको। ये बाबा मंदिर देख के हम लोग गैंगटॉक के रास्ते में आते ही छंगू लेक के पहले आते ही ये हांगू मैन मेड लेक हांगू, जिसमें आपको देख सकते हो -10 डिग्री में सारे के सारे के पूरा जम गए हैं और इन सब टूरिस्ट लोग ये सब फ्रोजन लेक में खेल रहा है। लेकिन आप कभी ऐसा गलती ना करना क्योंकि मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर गलती से ये बर्फ टूट गए है तो। दोस्तों ये है छंगू लेक, गैंगटॉक के आ रहे हो, इसको सिमगियो लेक भी कहते हैं। तो ये ऑन आपको, आप अगर गैंगटॉक आ रहे हो, सिक्किम आ रहे हो, तो नाथुला के रास्ते में बाबा हरभजन सिंह जो टेम्पल है उसके रास्ते में जाने से पहले ही पड़ता है। हम लोग एक्चुअली पहले पिछले बार भी दिखा था और वो जो जगह है आप देख रहे हो उधर असली जगह है, उधर सारे के सारे शॉप वगैरह मिल जाते हैं, यग राइड भी कर सकते हो। लेकिन ये जो जगह मैंने रुका है ये नाथुला से आते वक्त रुका है। इधर बर्फ़ देखो कितना सारा बर्फ़ गिरा है, काल रात पूरा ठंड है, हाथ पूरा जम रहा है। मैं बस व्यू दिखाने के लिए आपको रुका है। तो आप ये जो पॉइंट है व्यू पॉइंट भी कह सकते हो, उधर बहुत सारा गाड़ी है खड़ा हुआ। तो हम लोग उधर अगर हो सके वो भी दिखाऊंगा जाते वक्त। और ये है व्यू पॉइंट, देखो कितना सारा बर्फ़, अभी थोड़ा बर्फ़ उधर जाके दिखाती हूँ आपको, शायद मिलेगा। और इधर से ये है छंगू लेक का व्यू, ये टोटली नेचुरल है और ये पूरा फ्रोजन है अभी। ये अभी सर्दी का मौसम है इसलिए पूरा जो लेक है ये टोटली जम चुका है। तो देख सकते हो कितना अच्छा व्यू, कितना अच्छा व्यू है। और ये है इस तरफ बर्फ दिखा, ये है देखो बर्फ, कितना सारा बर्फ। ये है बर्फ देखो, ये हम रास्ते में रुके हैं, ये हमारा गाड़ी है। और इधर से छंगू लेक का पूरा व्यू अच्छे तरह से मिल रहा है, देख सकते हो। ये पूरा जो है कुछ कुछ आर्मी कैंप भी है। तो चलिए ये देखो पूरा जो लेक है जम चुका है। और वो जो जगह है छोटा छोटा ये सब दुकान है, उधर आपका यग राइड भी मिल जाएगा।
और फाइनली हम लोग का दिखाई दे रहा है छंगू लेक का असली एरिया, जिधर आप देख सकते हो या राइड भी कर सकते हो, लेके लेक के साथ आप सेल्फी भी ले सकते हो। और इधर एक रोपवे राइड भी है जो आप ले सकते हो, लेकिन इधर रोपवे का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है गैंगटॉक के मुकाबले में। सीजन में इधर बहुत सारे दुकान भी रहता है, लेकिन अभी सर्दी का मौसम है, स्नोफॉल्स का खतरा है, इसलिए दुकान थोड़ा कम है और टूरिस्ट भी थोड़ा कम है। अभी सीजन में तो बहुत सारा भीड़ लग जाता है इधर, बिलीव मी, पिछले बार जब आया था ऐसा ही था। खाओगे? तो आज हम लोग नाथुला पास, हरभजन सिंह टेम्पल, हंगू और छंगू लेक देख के हम लोग गैंगटॉक वापस जा रहे हैं। शाम ढलने वाला है, बर्फ का तो ज्यादा दिखाई नहीं मिला, स्नोफॉल्स का तो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, तो पहाड़ का जो नजारा है, नाथुला पास का जो नजारा मिला हम लोगों का, उससे हम लोगों का पैसा वसूल हो गया। पहाड़ का नजारा अभी कुछ अलग ही लग रहा है, देख सकते हो इस शाम ढलने वाला है। और इधर रास्ते में देख सकते हो ये सब साइड में जो सफेद रंग का पताका लगा हुआ है ना, ये सब बुद्धिस्ट लोग लगाता है, 108 पताका लगाता है, जिनका मौत हो जाता है उनके आत्मा की शांति के लिए। और जो कलरफुल पताका होता है वो लोग, वो सब बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग होता है। तो गैंगटॉक लौटने के बाद हम लोग निकला था फिर से लाल बाजार मार्केट और एमजी मार्केट का दर्शन करने के लिए। कल जाऊंगा गैंगटॉक का लोकल स्पॉट्स दर्शन करने के लिए, वो सब नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड नाइट।